वेलकम दोस्तों, सनम्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ पिकल्ड हेलपेनियो, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है पिज्जा, पास्ता, चीज ब्रेड जैसी रेसिपीज में, और ज्यादातर ये मेक्सिकन रेसिपीज में यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो मैंने ये हेलपेनियो पेपर्स लिए हैं। साथ में चाहिए हमें विनेगर या सिरका, नमक, चीनी, लहसुन की कलियाँ और पानी। हम ये हेलोपेनियो लेंगे, हेलोपेनियो पेपर्स, इसको हम इस तरह से काट लेंगे। इसको ऐसे काटना है, थिकनेस होनी चाहिए। बहुत तीखा होता है मिर्ची, अगर आपके हाथ पे लग जाए तो जलन हो सकती है। अगर आपके हाथ सेंसिटिव हैं तो आप ग्लव्स पहन के भी ये काट सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे हेलपेनियोस काट लिए। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2-3 लहसुन की कलियाँ, उसके साथ में हम डालेंगे 1 कप पानी और 1 कप सिरका या विनेगर। इसमें मिलाएंगे हम 2 बड़े चम्मच चीनी और 2 चम्मच नमक। ये सब हम मिक्स कर लेंगे और फिर हमें इस मिक्सचर को उबालना है। उबाल आ जाए फिर हम उसमें ये हेलपेनियो मिर्ची डाल देंगे और गैस को बंद कर लेंगे। इसको ऐसे ही डुबा के रखना है हमें 5 से 10 मिनट तक, जब तक इसका कलर चेंज होने लगे। रेस्टोरेंट्स में जो हेलपेनियो आप पिज़्ज़ा पे खाते हैं वैसा ही दिखने लगेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ ये पानी के अंदर ही रहे। इसका रंग थोड़ा सा बदलने लगा है जैसे कि आप देख रहे हैं। हम और थोड़ी देर इसको रहने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एकदम कलर उसका बदल चुका है। अब हम इसको कांच की बर्नी में भर, इसको 1 से 2 महीने तक आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। इसको ऐसे पानी के साथ ही हमें जार में भरना है। तो ये हो गया आपका हेलपेनियो तैयार। इसको आप पिज्जा पे, सैलेड में, बर्गर्स में खा सकते हैं। अब मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। अब हम इसको बॉटल में भर लेंगे। खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। ये पानी भी इसमें ही डाल देना है। ये हमेशा डूबे हुए रहने चाहिए पानी के अंदर। लीजिए अपने हेलपेनियो पिकल्स तैयार। कितना खूबसूरत लग रहा है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आप भी इसे बनाइए, अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।